नमस्कार किसान साथियों। किसान साथियों, एक बार फिर आपका अपने चैनल ब्राइट फार्मिंग में स्वागत है। सरसों की बुआई हर जगह चल रही है। जिन भाइयों के पास जमीन खाली नहीं थी, वहां पर अगेती बुआई हो चुकी है, और जहां पर खाली नहीं थी किसी कारण से, वहां पर अभी बुआई चल रही है, या फिर किसान भाई बुआई करेंगे। तो ऐसे समय में सरसों की पछेती वैरायटी का चुनाव करते समय किसान भाई सरसों की ऐसी पछेती वैरायटी का चुनाव करें जो पैदावार अधिक दे, उसमें तेल की मात्रा अधिक हो और जल्दी पककर तैयार हो जाए, ताकि गेहूं की बुआई समय पर की जा सके। तो आज अपने जानेंगे टॉप 3 पछेती वैरायटी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथियों, इन वैरायटी की बुआई आप 10 नवंबर तक कभी भी कर सकते हैं। उससे लेट होने पर सरसों की उत्पादन में कमी आएगी। तो पहले नंबर पर है श्रीराम कंपनी की 1666। इस वैरायटी को अपने हल्की, मध्यम या भारी मिट्टी, किसी प्रकार की भी मिट्टी में लगा सकते हैं। इसके पकने की बात करें तो यह 122 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसकी ऊंचाई भी 160 सेमी तक होती है। यह पछेती वैरायटी होने के साथ साथ इसकी पैदावार भी बढ़िया है। यह 10 से 12 क्विंटल तक एक एकड़ में उत्पादन दे देती है। तेल की मात्रा की बात करें तो नॉर्मल वैरायटी की तरह ही इसमें तेल की मात्रा 40-41% तक पाई जाती है। और दूसरे नंबर पर है क्रिस्टल कंपनी की केसरी गोल्ड। क्रिस्टल कंपनी की जो भी वैरायटी आती हैं, वो बायर कंपनी के द्वारा आती हैं। इस वैरायटी की अपने बात करें तो यह हल्की, मध्यम या भारी मिट्टी, किसी प्रकार की भी मिट्टी में इसको लगा सकते हैं। इसकी अवधि 105 से 120 दिन में तैयार हो जाती है। और इसकी ऊंचाई 140 से 160 सेमी तक इसकी ऊंचाई होती है। पैदावार यह भी 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ तक पैदावार देती है। इसमें तेल की मात्रा की बात करें तो तेल की मात्रा 40% तक पाई जाती है। नेक्स्ट वैरायटी है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित RH725। किसान साथियों, यह सरसों की सबसे सस्ती वैरायटी है और इसका उत्पादन भी बढ़िया है। जल्दी पककर तैयार हो जाती है। यह वैरायटी हल्की, भारी या मध्यम मिट्टी में, किसी प्रकार की भी मिट्टी में इसको आसानी से लगा सकते हैं। यह 136-143 दिन में पककर तैयार होती है, लेकिन अपने अगर पछेती बुआई करते हैं तो नॉर्मल समय में पक जाती है, क्योंकि बाद में टेम्परेचर अधिक होने से यह जल्दी पक जाती है। इसकी पैदावार की बात करें तो पैदावार भी 10 से 12 क्विंटल प्रति एक एकड़ तक होती है। तेल की मात्रा इसमें 40% तक पाई जाती है। तो किसान साथियों, ऐसे आप किसी भी कंपनी का चयन करके आप अच्छी से अच्छी उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और तेल की मात्रा भी अच्छी ले सकते हैं। यहाँ पर पछेती वैरायटी में अगर आप खाद का चुनाव करते हैं तो थोड़ी सी खाद की मात्रा का ज़्यादा चुनाव करें। यूरिया, DAP या SSP, DAP डाल रहे हैं तो DAP के साथ SSP का प्रयोग करें। तो वैसे आप सही समय पर खाद का चयन करके भी अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।